हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मेरी टॉल तुम्हें वो कहाँ है, मैं दवाएं दूंगी। स्वीटी, नेहा, नेहा कहाँ चलेगी सबके साथ? नेहा स्वीटी, क्या कर रहा है मेरा बेटा? हाँ पापा, इसे बुखार है। इसे बुखार हो गया? हम इसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, ठीक है? मम्मी कहाँ है बेटा? सो रही है। इस वक्त सो रही? तो आप एक काम करो, आप अपनी डॉल के साथ खेलो, ठीक है? पापा मम्मा को लेकर आते हैं। जी मैं ही रवि हूँ, मैंने ही आपको फोन किया था। पूर्वी, अच्छा बेटा, क्या नाम है आपका? सर, स्वीटी। मेरी वाइफ। जरा आइए सर। खून, इतनी छोटी निशान। सर ऊपर वाले कमरे में है। ब्लड सैंपल जुटा। सर ये देखिए सर, मेरी नेहा। सर क्या? रवि जी आप जरा प्लीज बाहर खड़े हो जाइए। जाइए।
गला चीर दिया सर। उसे निशान सिर्फ गले पर है, बॉडी में और कहीं निशान दिख नहीं रहे सर। सचिन काम करो, घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, देखो कहीं पर हथियार वगैरह कुछ मिलता है क्या। सर दया ये जूतों के निशान देखें, इतने छोटे निशान किसके हो सकते हैं? सर निशान तो ठीक वैसे ही है जैसे घर के दरवाजे पे देखे थे। वही तो सर, बच्चों के खिलौने के हो सकते सर, गुड़िया या गुड़िया के। हाँ हो सकता है, देखो जरा, देखो कहीं पर ये गुड़िया है क्या। सर पूरा घर चाल मारा, हथियार कहीं भी नहीं मिले और गुड़िया भी कहीं नहीं है सर घर में। ये गुड़िया गई कहाँ, गई कहाँ ये गुड़िया? और एक बात है, ये जिसने भी किया है ना, जो भी इस घर में घुसा है वो जोर जबरदस्ती करके नहीं घुसा है, क्योंकि देखो दरवाजे खिड़कियां सब कुछ ठीक ठाक है। इसका एक ही मतलब है कि जो भी कोई है इस परिवार के करीबी दोस्त या रिश्तेदारों में से ही घर के अंदर तो सिर्फ तुम आए थे। सर आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं, आप मुझ पे शक कर रहे हैं? तो फिर इनका खून कैसे हुआ? सर एक तरीका है जिससे पता चल सकता है। या? मैंने स्वीटी के खिलौनों में एक टेडी बियर में छोटा सा कैमरा फिक्स करके रखा है, नैनी कैम, ताकि हम अपनी नौकरानी मधु पर नजर रख सकें कि वो स्वीटी के साथ कभी बुरा बर्ताव करे तो हमें पता चल जाए। सर हो सकता है कि उस कैमरा में कुछ रिकॉर्डिंग हुई हो। चलो दिखाओ। ये वो पॉइंट है जहां पर नेहा का खून हुआ, और खास बात यह है कि खूनी ने दरवाजा खोला और अपने साथ इस गुड़िया को भी ले गया हुआ। खूनी मर्डर वेपन के साथ साथ वो डॉल भी ले गया सर। हाँ दया बिल्कुल। रवि
छोटे में जो डॉल है इसके बारे में कुछ जानते हो? हाँ सर, ये स्वीटी के पास एक डॉल तो थी जो चलती भी थी और बोलती भी थी। अरे क्या हुआ खुशी बेटा, क्यों रो रहे हो आप? क्या हुआ मुझे बताओ। मम्मा मम्मा है, वो बाहर है। अच्छा अच्छा चुप हो जाओ। वही इतनी बड़ी डॉल कौन लेकर आया? हाँ कौन लेकर आया बताओ। मम्मा ये डॉल चलती है? कैसे चलती है मुझे भी बताओ। कहाँ से इसका बटन? I love you, mama. ओए होए। I love you, mama. डॉल तो चल रही है। I love you, mama. I love you, mama. तो अगर कोई डॉल लेके यहाँ से बाहर गया होगा तो आसपास जरूर किसी ने तो देखा ही होगा। हाँ चलो देखते हैं, बाहर चल के पता लगाते हैं। सुनो देखो, हम लोग सीआईडी से हैं। सर जल्दी से बताओ, क्या तुमने किसी को रवि साहब के बंगले में से बाहर आते हुए देखा? सुबह रवि साहब गए थे, उनके बाद उनकी काम वाली बाई गई थी, उसके बाद तो किसी को आते जाते नहीं देखा सर। ठीक से याद करके बताओ, शायद दो घंटे पहले किसी को देखा हो, जरा दिमाग पे जोर डालो। नहीं नहीं सर, पक्का नहीं किसी को देखा। मारवा कहीं पर थे? जी सर, हाँ थोड़ी देर के लिए वो बगल वाली मैडम के लिए ऑटो बुलाने गया था, लेकिन यही पास में गया था, वहां से नजर थी मेरी गेट पे। अच्छा ये डॉल, मेरा मतलब है गुड़िया को तुमने यहाँ से निकलते हुए देखा? डॉल सर? हाँ वो डॉल बच्चों की गुड़िया, उसको निकलते हुए देखा यहाँ? नहीं सर। सचिन ये डॉल का क्या चेक करें? सर वो कैमरा फुटेज में हमने गुड़िया के चलने की आवाज सुनी सर, और उसके बाद वो दरवाजा खोलने की और बंद करने की आवाज आई, इसलिए मैंने पूछ लिया। डॉल? हाँ तरीका, क्या पता चला? सर एक बहुत ही अजीब बात पता चली, यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है। ये देखिए क्या है, उंगलियों के निशान। उंगलियों के निशान? लेकिन किसके किसके उंगलियों के निशान है? एक बच्चे की उंगलियों के निशान। अरे का बच्चे की उंगलियों के निशान इतने छोटे कैसे हो सकते हैं? हाँ बच्चे क्या, एक बेबी से भी छोटे उंगलियों के निशान। बच्चे से भी छोटे उंगलियों के निशान, मतलब किसी खिलौने की हो सकते हैं, मेरा मतलब किसी डॉल की। हाँ सर शायद डॉल का ही है। सर मैंने वहां जो कुछ भी देखा और महसूस किया मैंने वही कहा सर। ये कैसे हो सकता है सचिन? सचिन एक डॉल, एक गुड़िया ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। कोई तो है जो इस डॉल का गलत इस्तेमाल कर रहा है, कोई तो है, बस पता लगाना है हमें कि है कौन ये। सर तब तो डॉल बहुत इंटेलिजेंट है, बिल्कुल रोबोट की तरह। हाँ पूर्वी ये डॉल है तो इंटेलिजेंट, बिल्कुल रोबोट की तरह, लेकिन ये डॉल मिली कहां से लाई है ये लोगों ने ये डॉल? हाँ रवि बताओ जरा, कहां से पैदा की ये डॉल आप लोगों ने? सर इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि नेहा ही स्वीटी के लिए सारे खिलौने कपड़े और बाकी सब चीजें खरीदा करती थी। वैसे रवि करते क्या? जी मेरा खुद का गारमेंट्स एक्सपोर्ट का बिजनेस है। और आपकी वाइफ क्या करती? हाउस वाइफ थी वो। अच्छा नेहा जी हाउस वाइफ थी, और बाहर भी तो जाती होंगी, मेरा मतलब है उनकी कोई दोस्त वगैरह होंगे, है ना? तो क्या उनके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? नेहा का अपना फ्रेंड सर्कल था सर, किटी पार्टीज वगैरह में उन्हीं लोगों के साथ जाती थी वो। नेहा उन सबके साथ बहुत खुश थी सर। अच्छा जब आपकी वाइफ बाहर जाती थी तो उस वक्त आपकी बच्ची का ख्याल कौन रखता था? सर हमारी नौकरानी मधु। नौकरानी मधु,
रवि, कभी तुम्हारा और नेहा का मधु के साथ कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था जिसकी वजह से शायद जिसकी वजह से मधु ये कर सके? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मधु हमारे साथ पिछले 10 साल से, और उसने हमें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। मधु ऐसा नहीं कर सकती सर। मधु ऐसा नहीं कर सकती? तो फिर बचे नेहा के दोस्त, बुला लो सबको। हमने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है कि आपकी छोटी सी छोटी इन्फॉर्मेशन भी हमें नेहा के खूनी तक पहुंचा सकती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी पे शक हो या फिर नेहा ने कभी कोई ऐसी बात शेयर की हो जिसका संबंध उसके मर्डर से हो सकता है, तो प्लीज हमें बताइए। सर मैं तो बहुत सदमे में हूँ। आई मीन नेहा का मर्डर कोई कैसे कर सकता है? वो तो बहुत फ्रेंडली लड़की थी। देखिए ऐसा हो सकता है कि किसी ने उसको धमकी दी हो, कोई उसका पीछा करता हो, या फिर किसी की उससे कोई दुश्मनी हो, कुछ भी। ऐसी तो उसने कोई बात नहीं कही सर। हाँ कभी कभी वो प्रैंक्स जरूर कर लेती थी, लेकिन उसकी बात का कोई बुरा नहीं मानता था, है ना शिखा? मैं क्या कहूँ, बहुत अच्छी थी नेहा, हंसती रहती थी, लेकिन मतलब कभी कोई प्रैंक का बुरा मान भी सकता था है? जी मैं नहीं जानती। क्यों? जी सर वो एक्चुअली कुछ नहीं। देखिए शिखा जी, ऐसा लग रहा है कि आप हमसे कुछ कहना चाहती हैं लेकिन कह नहीं पा रही, प्लीज खुल के कहिए। सर एक्चुअली एक आदमी नेहा का पीछा करता था। पीछा करता था? कौन कौन था वो? जी वो तो मैं नहीं जानती, पर एक दो दिन में जब भी हम बाजार जाते थे नेहा बहुत परेशान रहती थी। मैंने उनसे पूछा कि आजकल तुम इतना टेंस क्यों रहती हो, तब उसने मुझे बताया कि कोई है जो उसका पीछा करता है, और एक दो बार तो उस आदमी ने नेहा को रोकने की भी कोशिश की। फिर क्या हुआ? फिर उसने मुझे बोला कि वो अपने हस्बैंड से इस बारे में बात करेगी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। नेहा ने ये बात आपको बताई थी? जी सर, नेहा ने मुझे इस बारे में बताया था। लेकिन ये बात आपने हमें नहीं बताई? सर बताकर क्या करता, बदनामी के अलावा कुछ नहीं होना था। मैं नेहा के बारे में किसी से भी कोई बात सुनना नहीं चाहता था। देखिए रवि जी, हम यहाँ अपराधी को पकड़ने आए हैं, इसलिए आपको जो कुछ भी मालूम है प्लीज हमें बताइए। सर नेहा ने मुझे बताया था कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है। मैं खुद कुछ समय तक उसके साथ मार्केट गया, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आया। मैंने नेहा से कहा कि जब भी तुम्हें वो दिखे तुम मोबाइल पर उसका फोटो क्लिक कर लेना। तो फोटो खींची उसने? जी सर फोटो क्लिक की थी, लेकिन फोटो बहुत धुंधली आई थी। इससे पहले कि हम कुछ और करते ये सब हो गया। पंकज सर आप देखो उसकी फोटो है। क्या ये वो फोटो? जी सर यही है, टोपी वाला। सर सर ये फोटो इतनी क्लियर नहीं है, और शायद ही कोई फोटोग्राफर इसे और क्लियर कर पाएगा। पंकज इस आदमी की टोपी तो दिख रही है ना, पहले इस टोपी को पकड़ते हैं, बाद में टोपी के नीचे छिपी खोपड़ी भी पकड़ में आ जाएगी। ये लो, मिल गई क्या? बिल्कुल ऐसी कैप थी ना उस टोपी वाले की। सर ये कैप आपको मिली कहां से? दे उसी दुकान से जहां से उसने अपनी कैप खरीदी थी। और सर वो कैप वाला आदमी? कैप वाले को ही ढूंढेंगे हम सचिन, बस अभी उसी को ढूंढना है। सर इस कैप वाले को हम ढूंढेंगे कैसे? पूरी उसी जगह से शुरू करेंगे जहां से उसने नेहा का पीछा किया था।
अरे बाप रे बाप, 41 डिग्री टेम्परेचर। आज पता चल रहा है गर्मी कैसे कहते हैं। आपको गर्मी कहां से लगेगी, जैकेट तो पहना है। बड़ी प्यास लगी है, पानी। एक पानी की बोतल लेना। बहुत प्यासे लग रहे हो साहब, क्या बात है, क्या काम करते हैं आप? सीआईडी। सीआईडी साहब, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? वो सब छोड़िए, आप एक बार बताइए कि आपने यहाँ पे किसी आदमी को देखा है ऐसी कैप पहन के चलते हुए, ऐसी टोपी? याद आया साहब, इस आदमी को मैंने वहां पर देखा हुआ है साहब। कई दिनों से वहां पर वो वेट करता था किसी का, ऐसा लगता था किसी का इंतजार कर रहा है, और साहब थोड़े टाइम पे निकल जाता था। अच्छा, इस तरफ? वहां पर साहब। लगता है इधर चेक करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, ऐसी टोपी। ये चप्पल को अभी टूटना था। कुछ अच्छा काम करने जाओ, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। पनौती, इसको घर पे जाके ही बदलना पड़ेगा। भाई साहब। क्या है? हम सीआईडी से। तो मैं क्या करूं? ये भी है, हमें कुछ सवाल पूछने थे, अगर आपको जवाब पता हो तो थोड़ी हेल्प हो जाती। देखिए साहब, मैं सरीफ आदमी और फालतू में किसी लफड़े में पड़ना नहीं चाहता हूँ। वैसे भी दिन खराब चल रहा है, तो चप्पल टूट गई और ऊपर से आप लोग। सवाल मेरा ये था कि आपने किसी आदमी को देखा है ऐसी टोपी पहन के यहाँ आसपास घूमते हुए, ऐसी टोपी? हाँ, ये मेरी बगल में ही रहता है। कहाँ रहते हैं आप? आगे से दूसरा लेफ्ट। थैंक यू। है घबराओ नहीं, जूते पहना करो, चप्पल छोड़ दो। जी हम सीआईडी से। अंदर आइए। माफ कीजिएगा, हमने आपको तकलीफ थी, मगर ऐसी टोपी पहनने वाले एक इंसान की तलाश कर रहे हैं आप, क्या आपने उसे देखा है? देखिए, हमें पता चला है कि वो यहीं पे रहता है। रहता है नहीं, रहता था पहले। मतलब अब नहीं रहता? मैम, कल ही घर छोड़ के चला गया है, भाड़े पे रहता था। अब कुछ उल्टा सुल्टा काम किया क्या? जी, बहुत उल्टा सुल्टा काम किया उसने। अच्छा, उसके बारे में आपको जो कुछ भी पता, कुछ भी, क्या आप हमें बता सकती हैं? जैसे उसका नाम? कमल नाम बताया है उसने। पता नहीं सच बताया या झूठ बताया, कहता था किसी बड़ी कंपनी में काम करता है। आपने उसे घर देने से पहले कुछ चेकिंग नहीं, कोई बैकग्राउंड चेक, कोई पुलिस वेरिफिकेशन कुछ नहीं करा है, ऐसे ही घर दे दिया किराए? जी, रोज सोचती थी कि अपने हस्बैंड के साथ पुलिस स्टेशन जाऊंगी, पर कभी हमें फुर्सत नहीं तो कभी उसे फुर्सत नहीं। चलिए, अच्छा उसने अपनी कंपनी का नाम क्या बताया था, याद है आपको? जी मालूम है। ये आवाज कहाँ से आ रही? मेरी बेटी डॉल से खेल रही है, ये उसकी ही आवाज है। डॉल? देखिए, अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम अंदर जाके वो डॉल चेक कर सकते हैं? जी। थैंक यू। श्योर। सो ये डॉल आपने कहाँ से खरीदी?
ये हमारा किरायेदार ने मेरी बेटी को गिफ्ट में दी थी। आपको पता है कि उसने ये डॉल कहाँ से खरीदी? पास के ही मार्केट से लाया था उसने। क्या मैं आपकी ये डॉल ले सकता हूँ? हाँ। एक्चुअली एक बहुत ही बुरे अंकल ने आपको ये डॉल गिफ्ट की है और अब हम उस बुरे अंकल को पकड़ना चाहते हैं, इसीलिए मुझे आपकी डॉल ले जानी होगी। हाँ। कोई शर्त? हाँ। क्या शर्त? कि आपको बुरे अंकल को पकड़ना है। बिल्कुल पकड़ेंगे, आई प्रॉमिस। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये दीदी बिल्कुल ऐसी डॉल आपको ला कर देंगे, ठीक है? थैंक यू। सारे प्लांट्स अलग कर दो इसके। पूरा पोस्टमार्टम? हाँ, हो सकता है इससे हमें कुछ क्लू मिल जाए। है इसके अंदर कुछ मिला? नहीं सर, डॉल तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन एक बात है। क्या? नेहा के चेहरे पर बने उंगलियों के निशान इस डॉल की उंगलियों की दूरी से मैच करते हैं। सर, डॉल किसी को मार सकती है? शिता, क्या कभी कोई डॉल किसी को मार सकती है? नहीं ना। लेकिन हाँ, किसी ने ये डॉल बनाई, खूनी डॉल, जिससे उसने नेहा का खून कर दिया। अंदर चल के देखो। वंश, सुनिए, आइए, क्या सेवा करूं? आप ये बताइए कि ये डॉल आपकी दुकान से खरीदी गई थी? जी हाँ, मेरी ही दुकान की है। क्या ठीक से काम नहीं कर रही? क्या प्रॉब्लम है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बताइए। इस डॉल ने एक खून कर दिया है। क्या क्या कह रहे हैं आप? जी, हम CID से। वो सब तो ठीक है, पर सर ये तो बच्चों की खेलने का खिलौना है, भला ये कैसे खून कर सके? देखिए, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, तुम बस याद करके बताओ कि ये डॉल खरीदी किसने। हाँ सर, याद आया, एक आदमी आया था और उस आदमी ने टोपी पहनी हुई थी, ये वाली? हाँ सर, यही टोपी वाला आदमी था, पर उसने दो डॉल्स खरीदी थी। पक्का याद है ना तुम्हें, उस आदमी ने दो गुड़िया खरीदी थी? हाँ सर, पक्का याद है, उसने दो डॉल्स खरीदी थी, पर सर पैसे उसके साथ वाले आदमी ने दिए थे। जिसने तुम्हें पैसे दिए से अगर सामने खड़ा कर दे तो पहचान लोगे? बिल्कुल पहचान लूंगा सर, उसकी शक्ल मेरे आंखों के सामने है। आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, CID को आपकी मदद चाहिए। We'll be right back.
रवि। सर, सर रवि नेहा का मर्डर कैसे कर सकता है? वो तो इतना सिंपल और अच्छा इंसान लगता है। रवि, पूर्वी भोली सूरत के पीछे शैतान भी छुपा हुआ हो सकता है। रवि, तो रवि ने नेहा का खून किया, अपनी पत्नी का खून किया उसने। उठाओ इस रवि को। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। एक्सक्यूज मी, जरा दरवाजा खोलिए ना प्लीज। दरवाजा खोलो। सर दरवाजा अंदर से लॉक करके बैठा है। लगता है सीधी तरह से काम नहीं चलने वाला, दरवाजा तोड़ देते। माय गॉड, रवि। माय गॉड, दिव्या देखो बच्ची का है। अब भैया एम्बुलेंस को फोन कर दो। जी सर। पंकज घर की तलाश लो। सर अजीब बात है, आसपास कोई हथियार तो है नहीं, सिर्फ गले पर ये निशान। अभी लगता है ये निशान ही सब कुछ है। सर, सर ये कैप बाहर मिली। सर ये तो वही कैप है जिसकी फोटो हमने नेहा के मोबाइल पे देखी थी। उसका मतलब खूनी ये टोपी वाला ही है, लेकिन शायद ये खूनी ये नहीं जानता कि जुर्म की दौड़ ज्यादा लंबी नहीं होती। सर मेरी बेटी, मेरी बेटी कहाँ है? ठीक तो है ना? तुम अपनी बेटी स्वीटी की चिंता छोड़ दो और जेल चलने की तैयारी करो। लेकिन किस जुर्म में सर? किस जुर्म में? अपनी बीवी नेहा का खून करके कहते हो किस जुर्म में? ये आप क्या कह रहे हैं? भला मैं अपनी नेहा का खून क्यों करूंगा? ये तो हम जानना चाहते हैं तुमसे। उस दुकान से तुमने वो डॉल खरीदी और उस डॉल का इस्तेमाल अपनी बीवी नेहा को मारने के लिए किया तुमने। आप मुझ पर इस तरह के इल्जाम मत लगाइए। अगर मैंने नेहा का खून किया होता तो मैं वहां से फरार हो जाता, ना कि अपने आप पर हमला होने का इंतजार करता। हमला तो तुम पे होना ही, तुमने उस टोपी वाले आदमी को सुपारी जो दी थी, झूठ बोलकर सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन एक बात तुम्हें बता दूं मैं कि सच्चाई सामने आ चुकी है, समझे? अपना गुनाह कबूल कर लो तुम। सर कैसे कबूल कर लो जब मैंने कुछ किया ही नहीं? मेरी छोटी सी बेटी है, आप ही बताइए भला मैं ऐसा कोई काम क्यों करूंगा जिससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इस रोने धोने से हम सब पिघल जाएंगे? सर मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने अपनी पत्नी नेहा को खोया है, उसके खून का झूठा इल्जाम मुझ पर आ रहा है। मैं आपके आगे हाथ छोड़ता हूँ, मुझे मुझे प्लीज मेरी बेटी के पास ले चलिए आप। बस रवि बहुत हो गया, ये रोना धोना और नाटक बंद करो और चलो हमारे साथ। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं सर? अगर भी छोड़ थोड़ा चाकू, मैं अभी इसी वक्त अपने आप को मार डालूंगा। देखो अगर तुम वाकई में बेगुनाह हो ना, तो इस बात का हम पता लगाएंगे कि इन सब के पीछे कौन है। एक काम करते हैं, उस डॉल की दुकान पर चलते हैं, पता चल जाएगा किसके पीछे है कौन। क्या बात है सर, आप लोग दोबारा आ गए। मैंने तो सब कुछ बता दिया था। लेकिन तुमने अपने बारे में नहीं बताया। मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ, अब क्या बाकी है?
जेल में जाने के बाद पता चल जाएगा कि क्या बताना बाकी है। देखिए, आप लोग खामखा मुझ पे शक कर रहे हैं, ये गलत है। आप ऐसे मुझ पे प्रेशर नहीं डाल सकते। सही कह रहा है, प्रेशर तो नहीं डाल सकते। अभी तक तो प्रेशर डाला नहीं। अगर हमने अपनी तरह से प्रेशर डाला ना, तो तुम्हारा सच कहां कहां से बाहर आएगा तुम खुद नहीं जानते। सर, उस टोपी वाले ने मुझे पैसे दिए थे दूसरे वाले आदमी के बारे में बताने के लिए। दूसरा आदमी मतलब रवि ना? जब वो तुम्हारी दुकान में आया ही नहीं, तो तुम्हें कैसे पता वो कैसा दिखता है? उसका हूबहू स्केच कैसे बनवाया तुमने? बोलो। ये फोटो दी थी उसने और उसके बारे में बताने के लिए बोला। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। देखो, दूर हटो मुझसे, दूर हटो।
खिलौनों से तो खेला जाता है, बच्चे खेलते हैं इससे, लेकिन तुमने इनका इस्तेमाल किया जुर्म करने में, बेजान खिलौनों से जान ले ली एक इंसान की। बहुत हो गया तुम्हारा गुड्डा गुड्डी का खेल। कितनी बेरहम हो तुम, एक बच्ची से उसकी मां छीन ली तुमने। बहुत नफरत थी मुझे नेहा से, जब देखो अपने पैसों का घमंड दिखाती थी, जैसे दूसरे तो कुछ है ही नहीं, जो मुंह में आता था पक देती थी, इसलिए मैंने हमेशा के लिए उसकी जुबान बंद कर दी। अरे एक बात बताना तो मैं भूल ही गई, क्या पता है मुझे रवि ने क्या गिफ्ट किया है? क्या? रवि ने मुझे गिफ्ट किए हैं इयररिंग्स डायमंड के। वाव, फिट है नया, वैसे कितने के नीचे उतारा है पति को। अब 2 लाख के तो हैं ही, आखिर कान किसके हैं? तुम तारीफ नहीं कर रही शिखा? अरे बोला तो वाव, और तारीफ सुननी है? हाँ, हीरे के लिए हीरा है बिल्कुल। अब खुश? पता है शिखा, कभी कभी मुझे तुम्हारे लिए ना बुरा लगता है, जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो अफोर्ड नहीं कर पाती ना, हमारे ग्रुप में एक तू ही है जिसको हमेशा कड़की चाहिए रहती है। हाँ यार, कड़की लड़की। पता है इस बार ना मैं पार्टी 5 स्टार में रखने वाली थी, फिर मैंने शिखा के बारे में सोचा कि वो तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगी, पार्टी में आने के लिए कपड़े वगैरह भी तो चाहिए होते हैं, बस इसीलिए तुम्हारे लिए कैंसिल किया मैंने। सीरियसली यार, आई वॉज सो अपसेट, जब भी शिखा का नंबर आता है ना, हम लोग को हमेशा चालू रेस्टोरेंट में जाना पड़ता है। बस बस, अब तो ये समझ लो कि जब भी शिखा का नंबर आया, दही वड़ा पाव खाया। हे कम ऑन यार शिखा, इसमें इतना बुरा मानने वाली बात क्या है, प्लीज। हाँ हम तो मजाक कर रहे हैं, तुम दिल पे क्यों ले रही हो? वो मुझ पर जोक बनाती थी ना, मैंने उसका ही जोक बना दिया। मैंने अपने पुराने नौकर को बुलाया और उसे नेहा का पीछा करने के लिए कहा। ओ, तो वो टोपी वाला तुम्हारा नौकर था, कहाँ रहता है वो? सावंतवाड़ी, रूम नंबर 41। निकल, सावंतवाड़ी। सो मैंने उसे कहा कि वो नेहा को तंग करे, उसे टेंशन दे, मौका देखकर उसकी फोटो क्लिक करे और उसे बदनाम करे कि वो लो क्लास लोगों के साथ घूमती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाँ, वो लगातार मुझे ही नीचा दिखाती रही, इसलिए मैंने गुस्से में तय किया कि मैं उसे खत्म कर दूंगी। ना रहेगा पास, ना बजेगी बांसुरी। और तुमने उसे मारने का प्लान बनाया? हाँ, मैंने मार्केट से एक जैसी 2 डॉल्स खरीदी, एक नेहा की बेटी स्वीटी को गिफ्ट करने के लिए, दूसरी नेहा का मर्डर करने के लिए। क्या सोचा था तुमने, बहुत होशियार हो तुम? रवि की फोटो जो तुमने खिलौने वाले को दी थी, उसकी आंखों में तुम्हारा चेहरा दिख गया था हमें, तुम्हारा खेल तो वहीं खत्म हो गया था। अब बैठो जेल में, इंतजार करो फांसी का। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.